जा रहे हैं मांडू। मांडू यहाँ से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है और 40 किलोमीटर होगा, तो बस आज वहीं जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या मस्ती होती है। वहाँ पे सुबह के नाश्ते में अगर रास्ते में कुछ देखा जाए तो यही पोहा बुनिया जलेबी यही मिलता था जो कि बहुत फेमस था। मांडू में वैसे घूमने वाली जगह तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले काकड़ा को गए और वहाँ के थोड़े से सीन शेयर कर लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत पहाड़ी, सब सुंदर सुंदर सीन देखे। ये सब सीन देख करके ना लिटरली मुझे लगने लगा था ना मैं कहीं कश्मीर के वादियों में तो नहीं आ गई हूँ। और मतलब ऊपर इतना सुंदर आसमान भी लग रहा था और नीचे खाई, एक बार के लिए तो डर भी लग रहा था जैसे ये सुसाइडल पॉइंट हो, बट सुंदर भी उतना ही लग रहा था। और सीरियसली कश्मीर इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे सारा सीन घोड़ा वगैरह जो भी थे, ऊँट, तो ये सारा सीन देख करके ना थोड़ा ऐसा ही लग रहा था, एकदम सीनरी जैसा, जैसे हम अब जब आए हैं तो ऊँट की भी सवारी कर ही लिया जाए। मैंने पहले भी नहीं किया था लेकिन फर्स्ट टाइम ये ऊँट की भी सवारी कर रही हूँ। तीन लोग थे लेकिन एक बात तो था, बैठ तो गई थी लेकिन डर भी उतना ही लग रहा था क्योंकि मैं आगे की ओर बैठी थी और जब ऊँट चलना स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा था कहीं मैं आगे से ही ना गिर जाऊँ और नीचे पत्थर पे चकनाचूर ना हो जाऊँ, बस इसी टाइप का डर लग रहा था लिटरली। वैसे यहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि झरना वगैरह भी होता है, लेकिन अभी जिस टाइम पे हम लोग गए थे उस टाइम पे सूखी हुई थी, बट और भी चीज़ें जो थी वो भी बहुत अच्छा लगा। फिर घूमने के बाद हम लोग फटाफट बाहर निकले क्योंकि मांडू में बहुत सारी जगह घूमने वाली है, एक तरीके से ये टूरिस्ट प्लेस ही है, तो सोच रहे थे फटाफट सब जगह को कवर किया जाए। तो एक डेढ़ घंटे में हम लोग यहाँ पर निकले और यहाँ पर नींबू पानी और खीरा मसाला बस यही मिल रहा था खाने के लिए, कुछ और भी सोचा जाए कि कुछ और खाएं तो कुछ नहीं था, हर जगह वही नींबू पानी और खीरा। तो हम लोगों ने अब जो वहाँ का है, जो वहाँ मिलता है तो उसको खाया जाए, बिल्कुल हम लोगों ने खाया फुल ऑन एंजॉय और फिर हम आगे की ओर चल पड़े। और आगे जो हम लोग गए वो है जहाज़ महल, जिसका कि ब्लॉग मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।